दोस्तों आज हम बनाएंगे एकदम मस्त हांडवा और वो भी खास उपवास में खाने के लिए। ये हांडवा बहुत टेस्टी बनता है, बस दो चार बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए उपवास का हांडवा बनाने के लिए हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। ये तरीका पुराना है, ओरिजिनल है और टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। हांडवा बनाने के लिए सामा का चावल एक कप लिया है, इसके साथ साबूदाना एक चौथाई कप लिया है, दही लिया है एक कप। एक मिक्सर के जार में सामा चावल को और साबूदानों को पीस लेंगे। ये देखिए, हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रखेंगे। अब इस सामा और साबूदाना के मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे। यहाँ एक बात खास ध्यान रखेंगे, हमें पेस्ट की तरह गाढ़ा घोल तैयार करना है। मैंने इतने सामा और साबूदाना में एक कप दही डाला है। ये देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा घोल तैयार है। अब इस घोल को हमें करीबन 8 से 10 घंटे के लिए किचन में किसी वार्म जगह पर फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। दस घंटे हो गए हैं, देखिए हमारा घोल थोड़ा सा पतला हो गया है। अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे एक कप, गाजर आधा कप डालेंगे कद्दूकस किए हुए। अगर आप उपवास में गाजर नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हो। 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे, 2 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें आधा टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। दोस्तों इतने घोल में से हम छोटी साइज के 4 हांडवा बनाएंगे। दोस्तों ये फराली हांडवा है, अगर हम हांडवा बड़ी साइज का बनाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाता है, इसीलिए हम हांडवा छोटी साइज में बनाएंगे जो बाहर से क्रिस्प भी बनेंगे और अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। एक हांडवे जितना घोल एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। अब एक और खास बात, हांडवा बनाने के लिए कढ़ाई लोहे की इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने कढ़ाई छोटी वाली ली है। लोहे की कढ़ाई में हांडवा तले पे चिपकता नहीं है, बेहतरीन बनता है। 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल गरम करेंगे। देखिए दोस्तों, फराली हांडवे में तेल थोड़ा ज्यादा होगा तो टेस्ट अच्छा आएगा। कढ़ाई को चारों ओर से तेल से चिकना कर लेंगे। हमने एक हांडवा जितना घोल अलग निकाला था उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तेल में आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून तिल और 4-5 करी पत्ता डालकर हांडवा का घोल डाल देंगे। अब इसे ढककर एकदम धीमी आंच पर पकने देंगे। करीबन 4 से 5 मिनट में एक साइड पक जाएगी, चाहे तो बीच में एक बार चेक कर लीजिए। 5 मिनट जितना समय लगा है, ऊपर की परत ड्राई हो गई है। पलटने से पहले 1 टीस्पून तेल डालेंगे।
ये देखिए इस तरह से परत ब्राउन हो जानी चाहिए। और ध्यान रखें, अब इसे ढककर और 5 मिनट इसी तरह पकने दीजिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट और टेस्टी हांडवा बना है। बचे हुए मिश्रण में से इसी तरह 3 और हांडवे बना लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, यही मंगल कामना।